HTML CSS और CSS का मीनिंग है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो हम CSS में क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई वेब पेज है वहाँ पे फॉन्ट का कलर अलग है, उसको कुछ लेफ्ट से कुछ मार्जिन है, राइट से कुछ मार्जिन है, ये सब चीज़ें जो है वो हम इसमें CSS में कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई पैराग्राफ है तो उसको स्टाइल अलग है, कलर से लेके फॉन्ट अलग है, फॉन्ट साइज अलग है, उसको कुछ बॉर्डर है, पैडिंग है, मार्जिन है, ये सब हम CSS में कर सकते हैं। अभी CSS कैसे लिख सकते हैं, तो उसके तीन टाइप हैं। तो आप इनलाइन CSS लिख सकते हो, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। तो इनलाइन CSS मतलब जैसे कि अभी हमने लिखा कि p टैग दिया, उसको ये उसका स्टाइल में बैकग्राउंड कलर रेड लिखा और उसका फॉन्ट साइज हमने ये अभी चेंज किया 36। हाँ, ये जो है ये है इनलाइन CSS जो हम रेगुलर लास्ट चैप्टर में स्टडी किया। उसके बाद सेम हमें अभी इंटरनल CSS यूज करना है। तो इंटरनल CSS कैसे यूज होता है कि हेड में हम स्टाइल्स टैग देते हैं और ये एंड करते हैं, और उसके बीच में जैसे कि पैराग्राफ है तो हम पी डालूँगा, पी के लिए हमें ये देना है बैकग्राउंड कलर रेड देना है, तो ये आ जाएगा बैकग्राउंड कलर हमने रेड दे दिया और फॉन्ट साइज हमारी जो है वो हमने डाल दी 36 पिक्सल। तो हम देखेंगे अभी इसको एग्जीक्यूट किया तो पहले पैराग्राफ पर दूसरे पैराग्राफ दोनों का स्टाइल सेम रहेगा, फॉन्ट साइज, बैकग्राउंड कलर वगैरह। हमें दोनों में डिफरेंस क्या है, एक में हमने इनलाइन CSS यूज किया है और एक में इंटरनल CSS यूज किया हुआ है, बस ये दोनों में इतना ही फर्क है। अभी देखो हम उसको क्लास के हिसाब से भी क्लास देके भी CSS यूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने p नाम का एक क्लास दिया और वो क्लास नीचे कॉल किया हुआ, तो हम अभी देखो सिंपल p में डालेंगे तो पहले जैसा वो नहीं नॉर्मल एग्जीक्यूट होगा क्योंकि हमने p नाम का एक क्लास डाला हुआ, और अभी ये हटा देते हैं तो दोनों के लिए वो p का ऊपर का ये होगा बराबर अप्लाई होगा p टैग। अभी मैं ये इंटरनल स्टाइल शीट हटा देता हूँ क्योंकि हमें एक्सटर्नल स्टाइल शीट डालना है उसको। तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट मतलब क्या कि हम हेड में लिंक डालते हैं, उसको रेफरेंस में वो फाइल का सोर्स डालते हैं जहाँ पे हमारा ये है, सॉरी रेफरेंस में ये डाल देते हैं कि वो स्टाइल शीट है, और तीसरा एचरेप में हम फाइल का लोकेशन दे देते हैं, जैसे कि हमारा ये टेस्ट नाम का एक ये है CSS हमने बना के रखा है, तो हम ये test1.css दे देते। अभी इसको एग्जीक्यूट किया तो ये p टैग को वो इंटर एक्सटर्नल CSS का कोड अप्लाई होगा, ये देखिए। अभी यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं, तो देखिए इस तरह से ये अप्लाई हो जाएगा उसके ऊपर। और एक को नहीं हुआ क्योंकि उनको हमने इनलाइन CSS दिया हुआ है, ऑलरेडी इनलाइन CSS यूज किया हुआ है इसलिए उसको अप्लाई नहीं हो रहा इस तरह से। ये हमने अभी तीन टाइप देखे CSS के, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS। अब हम इस शीट में कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे फॉन्ट फैमिली चेंज करते हैं, फॉन्ट फैमिली फॉन्ट के लिए यूज होता है। अभी आप कुछ प्रोजेक्ट का कोडिंग देखेंगे तो आपको ये ऑब्जर्व हो जाएगा कि वो कोडिंग में CSS सेपरेट फाइल ही रखते हैं ताकि आप वो टैग ये क्लास वो फाइल CSS फाइल में से क्लास लेके किसी भी फाइल में आप
लिंक टैग के थ्रू वो अटैच कर सकते हो। तो इसलिए प्रोफेशनल कोडर्स वगैरह है वो पूरे एक्सटर्नल सीएसएस ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फॉन्ट फैमिली हमने देख लिया, कलर्स टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो उसके लिए कलर नाम का एक एट्रीब्यूट्स है। उसके बाद बॉर्डर का एक बॉर्डर चेंज करनी है तो ये बॉर्डर के लिए सीएसएस प्रॉपर्टी बॉर्डर नाम की है। सीएसएस के बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, हम जब सीएसएस स्टडी करेंगे तब सीएसएस की और प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन ये लिखना कैसे आप ये फिलहाल ये ध्यान में रखिए कि ये तीन टाइप है सीएसएस के, इंटरनल एक्सटर्नल इनलाइन और ये ऐसे यूज के होते हैं मोस्ट ऑफ केस प्रोजेक्ट में। एक्सटर्नल सीएसएस यूज होता है, सब एक्सटर्नल सीएसएस ही रिकमेंड करते हैं। इसको एक्सटर्नल सीएसएस यूज करने का फायदा ये है कि आपका कोडिंग ज़्यादा बड़ा नहीं दिखता, सिंपल होता है और वो एक फाइल में चेंज किया तो सभी प्रोजेक्ट में एट अ टाइम चेंज हो जाता है, इसलिए एक्सटर्नल सीएसएस ज़्यादा यूज होती है। देखिए मैंने अभी यहाँ पे पैडिंग दे दिया तो ये देखो यहाँ से पैडिंग आ रहा है, मार्जिन आ रहा है इस तरह से। और ये हम एज आईडी भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने क्लास डाला था आईडी, अभी आईडी का नाम डालना है, जैसे कि पी नाम का हमने एक आईडी बनाया था। जैसे कि हम एक को नहीं डालते, एक को डालते, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले क्लास बनाया था सेम, देखो वो उसको अप्लाई नहीं हुआ, ई आई डी इसको असाइन किया हुआ इसलिए वो स्टाइल शीट इसको अप्लाई हो गया, वो आई डी सेम आई डी। और ऐसे ही क्लास को हम डाल सकते हैं, अभी इसको हमने क्लास से असाइन किया, जैसे इसको आई डी से किया था एक को क्लास करते हैं ये क्लास से, तो देखिए वो सेम है, कोई इफेक्ट नहीं आया, सिर्फ आई डी से यूज किया हमने और एक एक ने क्लास से यूज किया इस तरह से। और यहाँ से हम अभी आई डी से यूज करेंगे, अभी देखो दोनों सेम देखेंगे, कोई इसमें फर्क नहीं है। दोनों को सेम स्टाइल शीट अप्लाई हुआ, लेकिन हमने एक को आईडी से किया और एक को क्लास से किया, तो सीएसएस ऐसे अप्लाई होती है। और हम ये सेम टैग्स इसमें यूज कर सकते हैं एज ए इंटरनल सीएसएस। ये है सीएसएस के टाइप्स। नॉर्मली आप देखेंगे तो किसी प्रोजेक्ट में सीएसएस नाम का एक फोल्डर होता है, जैसे कि हम अभी क्रिएट करेंगे सीएसएस नाम का एक फोल्डर है, उसमें वो सीएसएस फाइल होती है और उसके लिंक दिया होता है। तो हमें क्या करना है अभी देखो, जैसे कि हमने सीएसएस फोल्डर में डाला तो यह फोल्डर का नाम डालना है जिस फोल्डर में है और ये लिंक इस तरह से। तो देखो अपना वो सी एस एस फाइल यूज हो रहा है। और एच भी डाल सकते हैं, HTTPD पूरा वेबसाइट का URL मतलब ये फुल बात।
बात हो गया वेबसाइट का, फोल्डर का हमने देख लिया, अब ये फुल पाथ ऐसे डाल सकते हैं, और सिंगल ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ।